दोस्तों आज की ये जानकारी बहुत ही खास होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जिसे बहुत से जानकार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पौधा भी मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलसी के बारे में। अब दोस्तों, अलसी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अलसी के सेवन से शरीर को क्या लाभ होते हैं, हमें अपने आहार में अलसी के बीजों को क्यों शामिल करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि कुछ जानकारों का मानना है कि अलसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पौधा होता है। कुछ स्टडी से ये बात सामने आई है कि इससे दिल की बीमारी, कैंसर, स्ट्रोक और डायबिटीज़ का जो खतरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। इस छोटे से बीज से होने वाले फ़ायदों की लिस्ट इतनी लंबी है कि हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। इसके अलावा जिसका इस्तेमाल लोग सदियों से भी करते आ रहे हैं। दोस्तों, अलसी को 3000 BC से पहले बेबीलोन में उगाया गया था। 8वीं शताब्दी में किंग चार्ल मैग्न अलसी से शरीर को होने वाले फ़ायदों में इतना यकीन करते थे कि उन्होंने इसे खाने के लिए कानून तक पारित कर दिया था। दोस्तों, आज 1300 साल बाद वैज्ञानिकों ने प्राथमिक अध्ययनों के आधार पर यह कहा है कि चार्ल मैग्न का अंदेशा बिल्कुल सही था। यह पौधा वाकई में ऐसी खासियतें रखता है जो कि शरीर में विभिन्न प्रकार के लाभों को पहुंचाने के में बहुत सहायक होता है। तो ये थी अलसी के बारे में थोड़ी आप लोगों के लिए जानकारी। लेकिन अब आपको बताने वाले हैं कि सेहत के लिहाज से यह किस किस लिहाज से यह फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, अलसी के तेल की मालिश करने से शरीर के अंग हेल्दी बनते हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं। इस तेल की मालिश करने से चेहरे की स्किन चमकदार बनती है। इसके अलावा अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करती है, जिससे स्किन पर झुर्रियाँ नहीं आती है और कसाव बना रहता है। इससे स्किन हेल्दी और चमकदार बनती है। अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो खून के थक्के बनने से या उसे जमने से रोकता है, क्योंकि खून का थक्का बनने से खून के बहाव में रुकावट आती है और अटैक का खतरा बनता है। अलसी इस संभावना को खत्म कर देती है। दोस्तों, इसमें लिग्नेंस नाम का तत्व पाया जाता है। हाथों में एक्टिव होकर ऐसे तत्वों का वो निर्माण करता है जो फीमेल हार्मोन्स के बैलेंस को बनाए रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, आधुनिक अध्ययन में यह बात सामने आई कि अलसी में ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलन कैंसर से बचने के गुण पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाला लिग्नेंस कैंसर से बचाता है। अलसी में अल्फा लिनोनिक एसिड पाया जाता है, जो आर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज और कैंसर से लड़ने में बहुत हेल्पफुल होता है। खास तौर पर कोलन कैंसर से लड़ने में यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, रिसर्च से यह भी पता चला है कि अलसी में पाए जाने वाला पांट ओमेगा 3 जलन को कम करके और हार्ट बीट को नॉर्मल करके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को बेहतर बनाता है। कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ओमेगा 3 से भरपूर भोजन से धमनियां कठोर नहीं होती है, साथ ही यह वाइट ब्लड सेल्स को ब्लड वेसल्स के आंतरिक परत पर चिपका देता है, जिससे धमनियों में फैट कम मात्रा में जमा होता है। दोस्तों, फिट पैट्रिक की माने तो अलसी में पाए जाने वाला LLA और लिग्नेंस जलन को कम करता है, जो कि पार्किंसन रोग और अस्थमा को जन्म देता है। दरअसल यह कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट के भाव को बंद कर देता है। जलन का कम होना धमनियों में जमा होने वाले पेक से रिलेटेड है, यानी कि अलसी हार्ट अटैक और स्ट्रोक को भी रोक सकता है। दोस्तों, मधुमेह में भी यह काफ़ी फायदेमंद होता है। प्राथमिक अध्ययन में यह पता चला है कि अलसी में मौजूद लिग्नेंस को लेने से ब्लड शुगर लेवल बेहतर बनता है। सीमित मात्रा में अलसी का सेवन खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, लेकिन सीमित मात्रा में। इससे शरीर के अंदरूनी हिस्से स्वस्थ रहते हैं और बेहतर ढंग से काम करते हैं। दोस्तों, ये थी अलसी के बारे में कुछ विशेष जानकारी आप लोगों के लिए, और जो कि हमने आपको बताई कि किस प्रकार यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली पौधा माना जाता है और किस किस प्रकार से यह सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो और जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद।